Hello everyone, welcome to Academia. My name is Om और आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, जिसको आप इंडिया में यहाँ पे लोकेट कर सकते हो और क्लोज अप लुक यहाँ पे देख सकते हो। आज हम इसकी ज्योग्राफी, इसके ट्राइब्स, कौन से फोक डांसेस, उसके ऊपर फोकस करेंगे। बट बिफोर वी बिगिन, लेट मी टेल यू, आप इस वीडियो की PDF नीचे टेलीग्राम लिंक से डाउनलोड कर सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, मध्य प्रदेश की कैपिटल सिटी है भोपाल, और भोपाल और इंदौर अभी इन्हें रिसेंटली क्लीनेस्ट सिटी का अवार्ड मिला था एज़ पर मैसिव क्लीनेस सर्वे। फिर ये सेकेंड लार्जेस्ट स्टेट है बाई एरिया इन इंडिया, और यहाँ पे आपको बहुत रिच सोर्सेज ऑफ मिनरल्स एंड रिसोर्सेज देखने को मिलेंगे विद डायमंड एंड कॉपर। इस स्टेट की 30% एरिया जो है वो फॉरेस्ट कवर में आती है, और यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है। और बहुत सारे यहाँ पे स्टेट एनिमल है। यहाँ पे बहुत सारे आपको माउंटेन रेंजेस भी देखने को मिलेंगे, जैसे विंध्या रेंज, गाविलगढ़ रेंज, महादेव रेंज, मैकाल, कैमूर और बाने रेंज। देखो, ये गाविलगढ़ और कैमूर रेंज जो हैं, ये महाराष्ट्र और ये यूपी के बॉर्डर के साथ मध्य प्रदेश को शेयर करती है, ठीक है। फिर कुछ मेजर प्लेचूज है यहाँ पे, बुंदेलखंड, बैतूल, अमरकंटक और बेगलखंड। देखो, बैतूल जो है ये तापी रिवर का ओरिजिनेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, और नर्मदा और सोन रिवर यहाँ से ओरिजिनेट होती हैं, ठीक है। देखो, नर्मदा जो है वो ये स्टेट की काफ़ी मेजर रिवर सिस्टम है, और ये नर्मदा इज़ लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द स्टेट एंड इट फ्लोज थ्रू अ रिफ्ट वैली हियर। और भी बहुत सारे मेजर रिवर सिस्टम है, जैसे तापी, चंबल और चंबल की कुछ ट्रिब्यूटरीज जैसे काली सिंध, पर्वती और सिंध, ठीक है। फिर बहुत सारे नेशनल पार्क्स भी आपको देखने को मिलेंगे, जैसे पन्ना नेशनल पार्क जो कि एक टाइगर रिजर्व है, संजय नेशनल पार्क जो कि एक टाइगर रिजर्व है। यहाँ पे मेजर आपको सारे टाइगर रिजर्व मिलेंगे, ठीक है। कान्हा नेशनल पार्क जो है ये बिगेस्ट पार्ट ऑफ द स्टेट एंड होम ऑफ बारहसिंगा एंड बंगाली टाइगर्स, ठीक है। पेंच नेशनल पार्क जो हैव ये इसकी नाम जो है ये एक पेंच रिवर के ऊपर पड़ी है, और ये भी एक टाइगर रिजर्व है। फिर इसके साथ आप देखो, मंडिया प्लांट फॉरेस्ट नेशनल पार्क है। फिर उसके बाद सतपुरा नेशनल पार्क है जो कि एक टाइगर रिजर्व है, वन विहार नेशनल पार्क और माधव नेशनल पार्क। फिर यहाँ पे बहुत सारे बायोस्फीयर रिजर्व्स भी हैं। देखो, जैसे पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व, जिसमें टाइगर, चीतल, चिंकारा और स्लॉथ बियर आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। फिर पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है, जहाँ पे आपको फ्लाइंग स्क्वायरल, जाइंट स्क्वायरल और ये सब देखने को मिलेगी। और उसके साथ साथ जो पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है, ये एक यूनेस्को रिकॉग्नाइज्ड बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है। फिर अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो उसमें आपको वाइल्ड डॉग, वाइट रम्ड वल्चर, फिर सैरस क्रेन, फोर हॉर्न एंटीलोप, ये सब देखने को मिलेगी, और ये भी एक यूनेस्को रिकॉग्नाइज्ड है। फिर बहुत सारे वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भी आपको स्टेट में देखने को मिलेंगे, जैसे खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट, सांची स्टूपा, भीमबेटका रॉक शेल्टर, ठीक है। देखो, भोस्टल लेक जो है यहाँ पे ये 40% जो ड्रिंकिंग वाटर है वहाँ के रेजिडेंट्स को प्रोवाइड करती है, ठीक है। और भोज वेटलैंड जो है यहाँ पे एक रामसार वेटलैंड है, ठीक है। फिर इंदिरा गांधी सागर, इंदिरा सागर लेक जो है ये एक आर्टिफिशियल लेक है बाय जो कि इंदिरा सागर डैम के थ्रू बनाई गई है नर्मदा रिवर के ऊपर, एंड इट इज़ द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक ऑफ इंडिया इन वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है। यहाँ पे आपको डिफरेंट तरीके के ट्राइब्स देखने में मिलेंगे, जैसे गोंड, भील, बायगा, बारिया, हलवा एंड सहारिया एक्सेट्रा, ठीक है। और जो गोंड है यहाँ की सबसे लार्जेस्ट ट्राइब है। गौर यहाँ की फेमस फोक डांस है जो कि मेन और वुमेन दोनों के थ्रू परफॉर्म की जाती है। देखो, यहाँ पे इमेज है ये एक सांची स्टूपा की, ठीक है। फिर ये देखो जो स्टेट एनिमल है यहाँ की, उसकी इमेज है बारहसिंगा। फिर यहाँ पे जो गौर डांस है उसकी ये इमेज है, ठीक है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ आवर वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। और भी बहुत सारे स्टेट्स के अपकमिंग वीडियोस में डालूंगा, और आपने अगर इससे पहले जितने भी स्टेट्स हैं जैसे बिहार, राजस्थान, इन स्टेट्स के अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ यहाँ पे आई बटन आपको दिख रहा होगा, उस पर प्रेस करो और आपको सारे स्टेट्स के दिख जाएंगे वहाँ पे, या फिर कमेंट सेक्शन में आपको मैं वीडियो की प्लेलिस्ट की ऑप्शन डाल दूंगा लिंक्स, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। सब्सक्राइब टू द चैनल एंड आपको वीडियो की PDF नीचे टेलीग्राम लिंक पर मिल जाएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेसन। गॉड ब्लेस यू ऑल।